प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम से पहले एक पॉइंट समझना पड़ेगा, एक टर्म है जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, इसको समझने के लिए एक पॉइंट को समझें। सपोज करो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ये लो, ये आपके पास मान लो एक क्यू चार्ज है, ये रहा। मैंने आपसे ये कहा कि क्यू चार्ज है, आप आर डिस्टेंस दूर यहां पे ई निकाल के दिखाएं, ठीक है, आपको वैल्यू आती है पॉइंट चार्ज का, ई कैसे कैसे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं स्टेटमेंट दूं बिना डायग्राम के कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर ई निकाल के दिखाओ, तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर आर डिस्टेंस मैं तो ये ले लिया, कोई कहेगा 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 मैंने ये ले लिया, कोई कहेगा मैंने ये ले लिया, कहां मर्जी ले, 3D है। और अगर उन सभी पॉइंट्स को जोड़ दे तो फिगर क्या बनेगी, इमेजिनरी स्फीयर। सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो इमेजिनरी स्फीयर। तो गॉस ने कहा कि देखो जहां पे भी आपको ई निकालना है आज के बाद, वहां पर एक बहुत छोटा सरफेस ले लो ऑफ एरिया ds, ds ले लो, आप जहां मर्जी ले लो, r डिस्टेंस दूर चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, जहां मर्जी लो ds सरफेस एरिया ले लो। अगर आप इस और ds सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया, जहां पर आपको क्या निकालना है, e की वैल्यू निकालनी है, तो जहां e निकालना है वहां पर मेरा नाम याद करो गॉस, और सरफेस का नाम भी मेरे नाम से रखो गॉसियन सरफेस। अब आप हर क्वेश्चन में गॉसियन गॉसियन ही करते जाओगे, बोला था ना मैंने आपको, वो काम ही ऐसा करेगा, आप अभी हर क्वेश्चन को याद करोगे। तो देखो उसने कहा जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिन करो गॉसियन सरफेस, और इन सभी गॉसियन सरफेस को अगर मिलाएंगे तो एक बड़ी गॉसियन सरफेस बनेगी जो कि फिगर क्या लेगी, स्फीयर। तो स्फीयर भी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये छोटी गॉसियन सरफेस है और ये बड़ी गॉसियन सरफेस है। आप ई छोटे में निकालो, जहां मर्जी निकालो, ई की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि स्फीयर है, फर्क नहीं पड़ता। तो गॉसियन सरफेस क्या बनी, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई घर से स्फीयर तो ना लेके आया है, पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे डीएस, हवा में बातें हो रही हैं, ये देखो ये गॉसियन है, देखो ये गॉसियन है, देखो ये गॉसियन है, देखो ये सारी गॉसियन मिल गई, क्या दिख रहा है आपको, एक स्फीयर, देख कुछ नहीं रहा, इमेजिनेशन में देखो जी स्फीयर बन गया, तो ये गॉसियन सरफेस है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस अज्यूम टू बी लाइंग एट दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये गॉसियन सरफेस है। अब हम एक काम करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि गॉस ने कहा वो ठीक कहा। गॉस की स्टेटमेंट हमेशा क्लोज बॉडी के लिए वैलिड है। तो गॉस ने कहा आप एक स्फीयर ले लो जो कि क्लोज बॉडी है, ये ब्लू कलर का एक स्फीयर ले लिया आपने, ठीक है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज ले लो, क्यू चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज है। मैं इस पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो मैं मेथड वन से निकाल लूंगा ई डॉट डी एस से, और एंड में मेरा रिजल्ट पता है क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये आ गया तो फिर आज के बाद इंटीग्रेशन यूज नहीं करूंगा, सीधा ही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करूंगा, ये गॉस ने कहा, करके देख लो। तो आपने क्यू चार्ज लिया, एक स्फीयर लिया, स्फीयर की सरफेस के ऊपर कोई सरफेस, छोटा सरफेस एरिया लिया, इस छोटे सरफेस एरिया का नाम क्या, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस, अगर इसका नाम गॉसियन सरफेस है, यानी कि मैं यहां पे E की वैल्यू निकाल लूंगा, तो जहां मैंने E निकालना है वहां चार्ज प्लस वन रखूंगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, E आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर ds वेक्टर भी आउटवर्ड है, E और ds में एंगल क्या है, जीरो। ये Q चार्ज यहां पे E लगाएगा, पॉइंट चार्ज है, 1/4πε Q/r2। हमने क्या निकालना है, पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स, तो इसका पहले छोटा फ्लक्स निकलेगा जो कि क्या निकलेगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि E एंड ds की डायरेक्शन सेम है, तो क्या निकलेगा, ई डी एस कॉस जीरो। इसे दोनों साइड्स क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स पूरे स्फीयर का क्या बनेगा, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, स्फीयर का रेडियस आर है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या बनेगी, 4πr2। ई का फॉर्मूला स्फीयर के ऊपर है हमारे पास, 1/4πε Q/r2, यहां से r2 4π कैंसिल, आंसर क्या आ गया, जो गॉस ने कहा था। गॉस ने क्या कहा था कि इस तरीके से फ्लक्स निकाल लो या मेरी शॉर्टकट लगा लो, बात तो एक ही है,
तो तुमने विश्वास नहीं किया, तुमने प्रूफ किया, तुमने अपने तरीके से फ्लक्स निकाला, पहले छोटा फिर बड़ा, लेकिन बात तो वही आई जो आपको गॉस ने कही थी, इंटीग्रेशन मत करो, बस ये बता दो कि क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो पूरी बॉडी का फ्लक्स 1 सेकंड में निकल जाएगा, अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इस पूरी डेरिवेशन में पहली अजम्पशन जो एनसीईआरटी वालों ने ली है, अपनी डेरिवेशन को इजी बनाई है, क्या चार्ज को सेंटर पे लिया है जानबूझ के। देखो गॉस ने कहा था चार्ज जहां मर्जी ले लो, कोने पे लो, सेंटर पे लो, आपकी मर्जी है। अपनी कन्वीनियंस से जानबूझ के चार्ज को सेंटर पे रखा गया, क्योंकि ई का फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है, हर जगह पे ई की वैल्यू रिमेन्स सेम। अगर मैं सेंटर में ना रखूं तो आर की वैल्यू चार से वेरी करेगी और ई की वैल्यू कैन वेरी, तो मेरी मेरे प्रूफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो क्या एक प्रॉब्लम है? घर जाके बातें आएंगी दिमाग में कि ओलिया यहाँ, वो तो कहते थे जहां मर्जी रखो फिर नेक्स्ट डाउट लेके आओगे, ये माइंड में आएंगी। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के सेंटर पे रखा। दूसरा, गॉस ने कहा था फिगर्स फेयर लो, मेरी तरफ से कोई भी क्लोज बॉडी की टेढ़ी मेढ़ी बॉडी ले लो तब भी आंसर सेम है। तो अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी रेंडम बॉडी लूं, फिर एक बात बताओ, जब सरफेस एरिया पुट करने की बारी आएगी, उस टेढ़ी मेढ़ी बॉडी का सरफेस एरिया क्या पुट करोगे? 4 पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना करोगे, वो आपको आता ही नहीं होगा। तो जानबूझ के अपने कन्वीनियंस के लिए फिर से क्या बॉडी ली? 4 पाई आर स्क्वायर फेयर लिया, ताकि फटाफट से 4 पाई आर स्क्वायर करके 4 पाई 4 पाई कैंसिल करके बड़ी चालाकी से दिखा के आंसर आ गया। अगर क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, फिर तो आपका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ही नहीं, 4 पाई कट काटोगे कैसे? तो क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर क्यूब बॉडी पे काम किया जाए तो 4 पाई कटेगा नहीं, फिर आंसर सेम कैसे आएगा? पॉइंट है, यही पॉइंट है, कोई डाउट इसमें? तो एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है कि लोग इतना कॉम्प्लेक्स फिगर पे ना जाएं, वो कहता है जी इतना ही कर लें, बस बहुत है, दिखाना ही है ना, एक केस उसे दिखा दिया। बट कई लोगों को ये माइंड पे खटकता है कि यार ये बात तो सही है कि ऐसे कोई भी बॉडी के लिए प्रूव कर दो तो मानूंगा। दो चीजें गॉस थ्योरम तब मानूंगा, स्टूडेंट कहता है, जब तो बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो, आर्बिट्री शेप हो और चार्ज सेंटर पे ना हो, फिर करके दिखाओ, फिर पक्की बात है सही बोलता है। इसके लिए एक वीडियो अपलोड होगा, बस घर जाओगे तो कर दूंगा, जो कि ऑप्शनल है, मतलब कि यूज प्रूफ उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं कि हुआ कैसे। इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल इसके लिए नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, 3D एंगल है जो सरफेस एरिया बनाता है, जिसको स्टेरेडियंस में सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल सीख के, जो कि 10 मिनट का काम है, 5 मिनट क्या 2 मिनट में ये थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए प्रूव हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स करिकुलम फिर कहीं और निकल जाएगा, तो मैं कर नहीं रहा। लेकिन जो लोग, और एनसीईआरटी में चाहिए नहीं, कंपटीशन में सॉलिड एंगल की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए हो सकती है, 5-7 मिनट की, पता तो हो क्या होते हैं। तो उसके लिए 10 मिनट का वीडियो देख लेना आपने इस प्रूफ के लिए, तो वो भी ऑप्शनल है, मैंने बता दिया, इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेना चाहिए सॉलिड एंगल के लिए। तो उनको प्रूफ भी मिल जाएगा, उनको सारी बातें मिल जाएंगी, और जो थ्योरी है इसकी कि प्रूफ करना कैसे है, वो मैंने बुकलेट में, अभी जो बुकलेट बनाऊंगा उसमें दूंगा प्रिंट आउट करके, तो ऑप्शनल लिख के दूंगा, आपने करना है कर लेना, नहीं करना मत करना, मर्जी है। और पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये प्रूफ हो सकता है, तो अभी जो नहीं देखना चाहते प्रूफ, मेरी बात पे विश्वास कर ले, मैंने किया हुआ है, देखा हुआ है, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, तो किसी भी बॉडी के लिए प्रूफ है। ठीक,